आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्याज की चटपटी और बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनाने की रेसिपी। दोस्तों, अंशदीप रेसिपीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्याज की इस चटनी को आप डोसे, इडली के साथ या फिर साइड डिश के रूप में भी परोस सकते हैं और इसे आप हफ्ते से 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रखें, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई ले लें, उसे अच्छे से गर्म कर लें और इसमें डाल दें तेल। यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच तेल लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ चने की दाल और साथ ही थोड़ी सी उड़द की दाल और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी जीरा, खड़ा धनिया, बहुत अच्छा टेस्ट करता है चटनी में ये, और साथ ही डाल दूंगी 1 चम्मच सौंफ और इन सभी को अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ काश्मीरी लाल मिर्च। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती और कलर बहुत अच्छा आता है चटनी में। यदि आप थोड़ा तीखा पसंद करते हैं तो इसकी जगह पर नॉर्मल वाला जो ड्राई रेड चिली होता है वो डाल दीजिए। इसमें मैंने थोड़ी सी करी पत्ते डाल दिए हैं और साथ ही डाल दिया है लहसुन 8-10। इन सभी को थोड़ा सा भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और उसे लंबाई में काट लिया है। तो प्याज को बहुत अच्छे से हमें भूनना है जिससे प्याज का जो कच्चापन है वो थोड़ा चला जाए और ये हल्का ब्राउन हो जाए। बहुत अच्छा स्वाद आता है इस चटनी का। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल लीजिएगा, और इसके बाद हम इसे थोड़ी देर पकने देंगे ढककर। तो चलिए इसे ढक देते हैं। 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर इसे ढककर पकाएंगे और इसके बाद इसे देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छे से हमारा प्याज जो है वो भून चुका है, ये देखिए। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे हम पीस लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये ठंडा हो चुका है। मैंने लिया है एक मिक्सर जार, इसमें मैं डाल रही हूँ जो हमने भून कर रखा हुआ है प्याज। अब इसे हम पीस लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने एक बार पीस लिया है तो ये अभी बहुत दरदरा सा है, इसे हमें एकदम फाइन पेस्ट बनाना है। तो थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाल दिया है, बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, थोड़ा सा ही पानी डालकर फिर से इसे पीस लिया है मैंने। तो देखिए, अब ये परफेक्ट पीस गया है, एकदम परफेक्ट। इसी तरह से हमें पीसना है। इस तरह से पीसने के बाद हमें इसे एक बार और पकाना होगा। तो वापस से उसी कढ़ाई पे मैंने डाल दिया है 2 बड़े चम्मच तेल और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ उड़द की दाल। उड़द की दाल से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसका एक क्रंच आ जाता है बीच बीच में, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये चटनी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का दाना और इन दोनों को अच्छे से भून लेंगे और इसके बाद इसमें डाल रही हूँ करी पत्ते थोड़े से। इन सभी को थोड़ा सा भून लेंगे और उसके बाद मैंने यहाँ डाला है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। बहुत अच्छा कलर आ जाता है इससे और ये ज़्यादा तीखा भी नहीं होता। आप तीखा करना चाहते हैं थोड़ा चटनी को तो रेगुलर लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद ये जो हमने पेस्ट पीस के रखा है वो डाल देंगे और उसी के साथ मैंने मिक्सर को धोकर थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। पानी बहुत ज़्यादा ना डालें, बिल्कुल थोड़ा सा ही मैंने यहाँ डाला है। अब इसे अच्छे से हमें भून लेना है जब तक कि तेल सेपरेट ना हो जाए। अच्छे से इसे भूनेंगे, थोड़ी देर ढककर इसे पकने देते हैं। धीमी आंच पर ही हमें इसे पकाना है। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छे से भून गया है, कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है इसका। तो हमें इसे तेल सेपरेट होने तक पकाना है, जब तक कि इसके किनारों पर हमें तेल ना दिखने लगे तब तक हमें इसे पकाना है। तभी हमारी चटनी जो है वो काफ़ी दिनों तक चलेगी और बहुत टेस्टी भी लगेगी। तो देखिए दोस्तों, तेल भी ये छोड़ चुका है और चटनी पूरी तरह से हो गई है तैयार। काफ़ी गाढ़ी सी है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है दोस्तों। इस तरह से ज़रूर बनाइएगा प्याज की चटनी और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसी लगी। तो देखिए दोस्तों, पास से कितनी अच्छी लग रही है चटनी और टेस्ट में भी होती है बहुत लाजवाब। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है प्याज की बहुत ही स्वादिष्ट चटपटी चटनी। तो बनाइएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी ये प्याज की चटनी की रेसिपी कैसी लगी। और यदि मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।